नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं वसई साती वाली लोहारचाल क्षेत्र में। बड़ी ही दुखद घटना यहां है घटी है। यहां आप देख सकते हैं ये कुछ एक दो रूम है वो टूटे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो घटना कुछ ऐसी है कि आज दोपहर के समय आपको यहाँ नीचे ये रेती और मटीरियल, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये मटेरियल यहाँ कितनी बड़ी मात्रा में डाला गया है उससे वो भी आप अंदाज लगा सकते हो। आपको वीडियो में फुटेज में दिखाई दे रहा होगा। बाजू में एक ये किसी बिल्डर का काम शुरू है और ये काम ऐसा फ़िलहाल बताया जा रहा है कि इसकी महानगर पालिका से परमिशन वगैरह ली गई, इन्होंने बोर्ड वगैरह मारा था। अब वाकई वो परमिशन बोर्ड सही था या नहीं था, वो एक अलग विषय है, उसकी जाँच पड़ताल का विषय है कि काम वाकई में लीगल था या नहीं था। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, फिलहाल हम यही कहेंगे कि काम लीगल था। लेकिन इस काम को बनाने के लिए जो विकासक है, उन्होंने क्या किया कि यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ एक रास्ता था और रास्ते में यहाँ पीछे की तरफ इस तरफ आप आएंगे, एक छोटा रास्ता यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस रास्ते को पूरी तरह रोकते हुए ये जो दीवार है, ये दीवार इन्होंने, जहाँ हम खड़े हैं ये दीवार इन्होंने, ये दीवार बनाई और ये दीवार यहाँ से टर्न होकर पूरी इस तरह से वहाँ उसको मिल रही है, वहाँ उस क्षेत्र में जा रही है। तो ये जो मटेरियल इतनी बड़ी मात्रा में डाला गया, ये मटेरियल लोड नहीं ले पाया और ये जो दीवार थी वो दीवार भी कच्ची दीवार थी, तो उस दीवार पर गिरने की वजह से लोड आया और यहाँ पीछे जिस तरह से ये घर थे किसी के, जूने घर थे किसी, किसके हैं अभी और इसमें रहने वाले कहाँ हैं फिलहाल उसकी जानकारी नहीं है। कोशिश करेंगे हम उनकी भी जानकारी मिले। तो उनके घर पे पूरा मटेरियल गिरा और इस तरह से उनका ये जो घर का जो चाली था, जूना चाली, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, तबाह हो गया। यहाँ लोग जमा है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर साइट विजिट करने बोईसर क्षेत्र, ये एरिया बोईसर विधानसभा क्षेत्र में आता है और बोईसर विधायक राजेश पाटिल आए थे, हमने उनसे बातचीत की, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ के पूर्व नगर सेवक सुनील आचोलकर से हमने बात की, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ के एक स्थानिक रहवासी, उनसे हमने बात की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब हम जो आपको नहीं दिखा सकते वो है तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी नीता कोरे, जो यहाँ की सहायक आयुक्त, उनका बयान। क्योंकि नीता कोरे, जिनकी जिम्मेदारी है इस तरह से काम को रोके जाने की, उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। नीता कोरे कैमरे के सामने आने को तैयार ही नहीं हुई, जबकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी है, इस समय प्रशासक राज है, इस समय आचार संहिता भी है। हालांकि ये मामला कोई चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके लिए विधायक महोदय ने अपना बयान दिया, वो दे सकते हैं, लेकिन प्रशासक राज है, प्रशासक राज में जो सहायक आयुक्त पद निर्देशित अधिकारी नीता कोरे, वो नीता कोरे मैडम ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, एक शब्द तक नहीं बोला। हमने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप इतनी अपडेट दीजिए, ये हादसा कभी हुआ, आपको कभी जानकारी मिली और क्या अपडेट है। तो यहाँ महानगर पालिका अधिकारी जो है, उनकी नज़र में यहाँ के क्षेत्रवासी, उनकी क्या अहमियत है, ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये अपडेट ये है, यहाँ हम आप देख सकते हो पूरा का पूरा हालात। और यही नहीं, यहाँ पूरे क्षेत्र में जिस तरह से सकरी गलियाँ हैं, जिस तरह से निर्माण हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यह समझ में आएगा कि प्रभाग समिति जी वालू उसमें किस तरह का पूरा ये बंदरबाट चालू शुरू है। और प्रभाग समिति जी वालू जो है वो सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका में मलाई खाने वाला प्रभाग बनकर रह गया है। यहाँ पर अधिकारी लोग हैं, अभी जमा है, अभी इसको रास्ता साफ करने की और दूसरी प्रक्रिया करने की बातें की जा रही है, क्योंकि आज हादसा हुआ। सर, आप साथी वाले में यह हादसा हुआ है, क्या अपडेट है अभी? अभी ये बिल्डर का नाम क्या है? अनिल गढ़ा। ये अनिल गढ़ा इस प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे और बाजू में जो बस्ती है बहुत सालों से है, या तकरीबन दामूपाड़ा 40 साल से यहाँ ये लोग है। यहाँ आने जाने का उनका जो पहले का रास्ता था वो उन्होंने बंद किया है और उसके बाजू में जो उसका बाउंड्री है उसको एक दीवार से पूरा पैक करके उन्होंने अंदर काम चालू किया है।
अभी स्पॉट पे हम लोग जब भी देखते हैं तो उन्हें जो रॉ मटेरियल डाला था खड़ी रेती, वो दीवार के ऊपर पूरा उसका लोड दे दिया और दीवार जो कच्चे वो टूटने की वजह से पूरा दो चार घर उसके ऊपर गिर गया। शुक्र है कि वहाँ कोई आदमी उसमें नहीं था आज, नहीं तो बहुत बड़े हादसा होता, जीवित हानि भी हो सकती थी। लेकिन जो किया है वो गलत है। सबसे पहली बड़ी बात है कि हम लोग जो यहाँ रहते जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना चाहिए लोगों ने, तो वो नहीं करने से रास्ता बंद किया उन्होंने। और पुलिस का वो दम दाटी करके पुलिस को यहाँ बुलाए और पुलिस को दम देने को बोला उनको, तो ये सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पुलिस यंत्रणा भी लोगों की सेवा करने के लिए होते, उनको संरक्षण करने के लिए होते, ये दादागिरी करने के लिए होते, तो ये दादागिरी पुलिस की नहीं चलेगी। ये आम जनता है, जनते का रखवाली करो और उनके सुख सुविधा देने के लिए महानगर पालिका उनको भी बोला हो, जिनका भी एंकरेजमेंट इन्होंने किया है वो खोल के उनको रास्ता पहला तुरंत करा के दे दो, ऐसा यहाँ एक हम लोगों ने सूचना दी है। पटेल सर, पूरा कंस्ट्रक्शन अभी ऐसा इनिशियल स्टेट पर ऐसा बताया जा रहा है कि लीगल है, लेकिन लीगल हो तब भी क्या इस तरह से काम करना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो लोग पहले से रह रहे हैं तो उनका रास्ता बंद करके डेवलप करेंगे, खुद का जेब भरेंगे और बाकी को मार देंगे, ऐसी डेवलपमेंट होती है क्या? डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? लोगों को भी सहायता करो, उनके लिए कुछ सेवा करो, उनके लिए कुछ बना के दो। बिल्डर पैसा कमा के जाएगा और उनका रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने मुझे बताया अभी अगर कोई मयत होता है तो उनको रास्ते पे लेके जाना पड़ता है, वो अर्थी भी नहीं ले जा सकते। तो ये कहा कि ये हुई ऐसा नहीं चलेगा, जो परंपरा रास्ता है वो रखना चाहिए। और मैं सब बिल्डर को अपील करूँगा, आपका डेवलपमेंट का जो जगह है ना वो करो डेवलपमेंट, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो पूर्व पार यहाँ तो 40 साल से रहते तो उनका रास्ता बंद करके आपको क्या सुकून मिलने वाला है? अरे उनकी सेवा करो, उनका रास्ता बना के दे दो, कितना जाएगा? जो अभी उन्होंने FSA सैंक्शन करके जो रोड बचा है उसमें का 8-10 फुट रोड उन्होंने दिया तो क्या जाएगा उनका? देना चाहिए वो लोगों ने, लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए। ये लोगों की गलत सोच है। अभी कोई अनहोनी तो नहीं हुई? अभी अनहोनी तो नहीं, एक बच्चा शायद था लेकिन वो उसको बचा लिया, भगवान का शुक्र है कि यहाँ कोई जीवित हानि नहीं हुई। अगर रात के समय में होता तो यहाँ कुछ तो बड़ा हादसा हो सकता था। अभी यहाँ इनके ऊपर जो भी डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर उनके ऊपर गुनाह दर्ज होने की प्रक्रिया का क्या? बिल्कुल, अभी पुलिस यंत्र ने आए उनको बोल दिया हूँ, यहाँ जो पंचनामा करो, महानगर पालिका MCA उनको बोला है, ये सबका जो है ये सब चेक करो, परमिशन क्या है कि नहीं है, उन्होंने किस हिसाब से यहाँ काम चालू किया है और रास्ता क्यों बंद किया, सब रिकॉर्ड पर ला के अभी उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने वाले हम लोग। आज प्रशासक राज है तब भी एक पूर्व जनप्रतिनिधि हो और आपके क्षेत्र में इस तरह से पूरी की पूरी नियमितताओं को अनियमितता दर्शाकर पूरा का पूरा इस तरह का काम होता है, क्या कहना चाहते हैं? हकीकत में ये गलत बात है। अभी फिलहाल में तो प्रशासक है यहाँ पे, फिर भी हमारी जो पक्ष है अपनी जो पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी लोक नेता हितेंद्र ठाकुर के माध्यम से हमारे कार्यक्षम आमदार राजेश जी पाटिल साहब है, हम लोग कई प्रोग्राम में थे, जैसा ही मालूम पड़ा वैसा छोड़ के यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमारी जो नाल है ये इन लोगों से जुड़ी हुई है, इतने साल से काम करते आधी रात को ये लोग हमारे पास आते हैं। इनका ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है आज की नहीं, बहुत साल से बेचारे चिल्ला रहे हैं, इनके पास का कचरा नहीं उठ रहा है, इनके बाल बच्चों को जाने के स्कूल के लिए जाने के लिए घूम के जाना पड़ता है, अर्थी अगर किसी की है उठाने के लिए 4-4 घंटा लगता है, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें वो लास्ट इलेक्शन के दौरान हम लोग यहाँ पर आए थे अपने प्रथम महापौर राजू जी पाटिल, उन्होंने समस्या सुन के ली और आदेश भी दिया था, लेकिन प्रशासक है और उतने में चुनाव आ गया और चुनाव के कारण ये हो नहीं पाया। परंपरागत रास्ता है, गटर है, अगर गटर का यूज़ सिर्फ पानी बहने के लिए है, अगर वो पानी बहने के गटर के ऊपर अपने एक RCC स्लैब डालते हैं तो बेचारे गरीब लोग दो ढाई हज़ार लोग रहते यहाँ पे, 2-4 हज़ार के ऊपर लोग रहते यहाँ पे, और 2-4 हज़ार लोगों के लिए जाने के लिए बच्चे हैं, बीमार है, बहू है, हमारी पूरी जनता परेशान है, और कोई बिल्डर आता है अच्छी बात है, डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट के लिए हमारे रोक नहीं है, लेकिन लोगों को सुविधा देना भी उनका काम है। हम नहीं बोल रहे कि आप कुछ बड़ा काम करो यहाँ पे, हम नहीं बोल रहे कि किधर कुछ ये लोगों के लिए कुछ स्कूल बनाओ, आश्रम बनाओ, लेकिन जो रास्ते हैं गटर है वो तो छोड़ो कम से कम। अभी MLA साहब यहाँ पे आए, उन्होंने आदेश दिए है और जो बिल्डर है यहाँ यहाँ उन्होंने सहानुभूति दिखाई है कि मैं तुरंत घर बना देता हूँ, और रास्ता खोलने के लिए उनको आमदार साहब ने आदेश दिए है, कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स है, सब लोग ऑनेस्टली प्रामाणिक काम करेंगे और लोगों को न्याय देंगे, ऐसा मुझे आज के तारीख में लग रहा है।
सहानुभूति ना दिखाना अलग बात है और यह हादसा हो उसके लिए जिम्मेदारी लेना अलग बात है। हादसे के लिए क्या वो बिल्डर है डेवलपर है वो जिम्मेदारी लेंगे? क्या उनके ऊपर मामला दर्ज होगा? नक्की होगा, क्यों नहीं होगा। अभी ने उन्होंने बोला है कि जो जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है जेसीपी से लेके जितने भी लोग हैं ऑपरेटर से लेके जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कौन कौन से धारा में लगता है वो कहने के लिए विधायक साहब ने अभी बोला है कि वो होना मांगता है तो ही न्याय मिलेगा ना, समझ गए। थैंक यू। मेरा नाम रोहित ससानी है। आप यहीं लोकल रहते हैं? हाँ। क्या अपडेट है, किस तरह से हादसा हुआ और क्या हुआ? एक्चुअली ये जो वॉल कंपाउंड है तो वॉल कंपाउंड के अंदर एक बिल्डर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन के जगह पे जो रेती डालने का काम चल रहा था उसने रेती डाला तो जेसीबी के अंदर वो रेती ढकेलने का काम चल रहा था, वो रेती ढकेलने के बाद वो पूरा मलबा गाड़ी के मतलब वो घर के ऊपर गिर गया। तो घर के ऊपर गिरने के बाद ऐसा चीज़ हुआ कि वो लोगों ने किसको हादसे में किसकी जान गई है क्या वो देखना चाहिए, वो जेसीबी ऑपरेटर और उधर का कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र वो वहाँ पे भाग गए। मतलब उनको इतनी इंसानियत नहीं है कि कोई मर गया कोई जिंदा है किसी को चोट लगी है, ये नहीं है। हादसा हुआ ये सोच के आजू बाजू के लोग जमा हो गए तो उन लोग भाग गए। उसके बाद में म्यूनसिपाल्टी वाले अधिकारी आए, ये अधिकारी घटना होने के बाद 3 घंटे बाद म्यूनसिपाल्टी को जो यहाँ पे जेसीबी अवेलेबल करने मिला, मतलब म्यूनसिपाल्टी का इतना नंगा कारोबार चल रहा है कि यहाँ पे उनको 3 घंटे में जेसीबी नहीं मिला कि अंदर कोई दब के फंसा है या नहीं है ढूंढने के लिए। कुछ है कि इसमें किसी का हताहत हुई है कुछ है? नहीं, ऐसा किसी को चोट नहीं लगी, एक बच्चा मरते मरते बच गया, मतलब दीवार गिर रहा था तो बाजू वाला बंदा उसको खींच लिया तो नहीं तो वो लड़के के ऊपर दीवार गिर जाता था। हमारा नाम सुशीला भारती। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ हम लोग के है रास्ता नहीं है, आज से हम लोग नहीं चिल्लाते हैं भैया दे दो बाबू दे दो थोड़ा रास्ता हम लोग के दे, यहाँ 30-40 साल हम लोग के रहते हो, इतना इतना पानी में हम लोग आते जाते, हम लोग का जाने कि यहाँ बन जाए बिल्डिंग तब वो हम लोग चिरौरी करे दे दे बाबू है इतना दे दो हम लोग के आने जाने में, नहीं बोला देगा देगा दे के फिर फाटक यहाँ लगाया वो भी फिर तोड़ के बंद कर दिया है। गटर का पानी हम लोग हम लोग का पारा बुड़ जाते हैं तब पानी हमने देखो छोप छोप के पानी तो इधर से निकालते हैं, कचरा का डिब्बा हम लोग के कहाँ कचरा फेंकी अभी यार कचरा फेंकेगा सब दिन इधर फेंका लो तो अभी कचरा का डिब्बा रखवाओ इधर तभी ना हम लोग कचरा इधर धरेगा। आज हादसा हो गया और ये हाँ देखो हादसा अभी 1 बजे आ रहा तब बड़ी पब्लिक मरल होता, वो तो एक बच्चा था तो उसको घींच लिया गपते घींच लिया अभी उधर हाँ दसन मौत भयल होते 1 बजे के टाइम, एक बैगा गिरा तो आदमी मर ना जाता तो हम लोग उधर से आते अब कैसे आई अब उधर से बंद हो गया तो इधर से ताना मांगता है ना तो आप लोग हम लोग के रास्ता इधर दे इतना हाँ सांसों हमने अब कैसे कुल बंद हो गया एकदम पैक तो हम लोग का सांस नहीं फूलता है न टावर पकड़ता है, सरकार मोबाइल दे ले बाना 400-400 लेत बा और मोबाइल का टावर नहीं पकड़ता महीना आल गया महीना आल गया तो सरकार लेत बा अपन मोबाइल भी हम लोग का टावर नहीं पकड़ता है, जब यार आई निकल के जब यार आवल जाते हैं तो पड़ कर टावर ऊपर जाते हैं उधर जाते हैं तो हम लोग का भैया टावर पकड़ते तो आप लोग के रास्ता दिवाओ हम लोग के आने जाने के हो हमने कहा देखो बुढ़ाई आ गई इधर ये कुल तक करेगा हम लोग ना आदमी बीमार हुआ तो हम लोग लाद के कहने पर तो लेके जाएगा उधर जब मरेगा मरेगा तब भी लेके जाएगा क्या करेगा मिल जाए रास्ता बात हम लोग के। क्या जानकारी आपके पास आई सर? ये जो है एरिया 90 का बसाया हुआ एरिया है तो ये रास्ता पूरा खुला था और रास्ता हम जो भी दिए थे यहाँ पे बताया कि यही रास्ता है आने जाने का, सब आगे से बिल्डर आते गए बनाते गए हम लोग का रास्ता पैक कर दिए, हम लोग को जानवरों की तरह बंद करके रखे। चालियाँ बहुत बनी अभी बीच के सालों में लॉकडाउन में उसमें? नहीं नहीं साहब सब पुरानी चालियाँ हैं जो है, जो नई चाली कुछ भी नहीं है, सब पुरानी चाली है नई चाली कुछ भी नहीं है और रास्ता ऐसा दीवार ऐसा कर दिए हैं 10-10 फुट का दीवार रखे हैं। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।